बहुत दिन से सैमसंग का फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। कस्टमर का प्रॉब्लम था कि ये रोटेट नहीं होता, ये है ना, ये रोटेट ड्रम रोटेट नहीं होता है। तो इसमें मोटर चेंज हुआ है और पीसीबी चेंज हुआ है, ये सब चेंज हुआ फिर भी रोटेट नहीं होता है। पकड़िए उसको, इसको इसका यहाँ से ये नाला देख रहे हैं, ये यहाँ से नाला, ये ब्लॉक है, ये यहाँ से जो आया हुआ है, ये जब तक नहीं पानी निकलेगा इसमें से, जब तक नहीं ये मोटर चलेगा। इस नाला ब्लॉक है, ये मट्टी से सर्विस करने कर देता हूँ। अगर सर्विस करने से अगर काम बन जा रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहा है तो कुछ और स्टेप देखना पड़ेगा, कितना सारा मिट्टी निकल रहा है। माल पड़ेगा कितना ब्लॉक था वो, उस तरफ नहीं, उस तरफ नहीं जा रहा। इसको धोइए, देखिए कितना ब्लॉक सारा था। वो तो कुछ भी खोल के कर सकते हैं। हाँ, ये आप भी साफ कर सकते हैं, अगर पानी नहीं निकल रहा है तो इसको सर्विस कर दीजिए, ये आप कर सकते हैं। ये फिल्टर आप कर सकते हैं, ये फिल्टर पानी कम आएगा तो उसको फिल्टर खोल के आप साफ कर सकते हैं। ये दो स्टेप आप कर सकते हैं। कौन सा फिल्टर? ये बंद, वहाँ से बंद कर दिए नल, ठीक है, यहाँ से निकाल। वॉशिंग मशीन के साथ जो आया था ना पाइप, वो खराब हो गया था, हम खुद से ही चेंज किए। माल पर ये पकड़, मैकेनिक को भी पता करना चाहिए था, मतलब देखना चाहिए था ना कि क्या ब्लॉक हो गया। देखता हूँ चालू लैन दीजिए सर। पानी ले रहा है, मुझे लगता है आपका वॉशिंग मशीन एक हफ्ता से बंद रहा होगा, इसलिए बदबू बहुत किया है। पानी मशीन मेरा कभी फ्री नहीं रहता भैया, हमेशा चलते रहा। नहीं, अभी पानी जो सारा जो भरा हुआ था इसमें, हम बताते हैं आपको, आठ को कंप्लेन किए क्योंकि हम यहाँ पे रहते ही नहीं है। तो मम्मी हमको बोली कि मतलब तीन चार दिन से बंद है, तो फिर भैया आए हुए थे, तो भैया तीन चार दिन, एक हफ्ता से बंद, चार दिन से मशीन बंद था। चार दिन उसमें लग गया आपको, पार्ट्स आने में दो से तीन दिन टाइम लग गया आपको, एक हफ्ता तो भैया। पहले बोले कि मोटर जला हुआ है, मोटर जला हुआ था पहले से भी, बोल रहे थे कि मतलब मोटर खराब है, उसके बाद पीवीसी वगैरह चल गया ना, मोटर मशीन चल रहा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं मशीन में अब तो कोई हमको पता रहा था भैया, तो हम खुद से ही कर लेते। इसमें जब तक पानी नहीं निकलेगा, मतलब जो स्टॉक में है पानी है वो जब तक नहीं निकलेगा, आगे का प्रोसेस कैसे होगा? सेट ओके, ये चेक कर लें। अगर इस तरह का कुछ प्रॉब्लम हो फ्रंट लोड में तो एक बार ये मतलब चेक कर लेना, स्टेप चेक कर लेना कि मतलब नाला ब्लॉक तो नहीं है, उसके बाद अगला मतलब स्टेप मतलब बढ़ना, ठीक है। YouTube वीडियो डाल देगा।